2016 को शिवसेना हिंद के नेता अमित अरोड़ा को लुधियाना के चौक बस्ती जोधेवाल में हुए कातिलाना हमले के मामले में पंजाब पुलिस की ओर से उन पर दर्ज किए गए केस से एनआईए की मोहाली स्थित विशेष अदालत ने बरी कर दिया है, जिसके बाद शिवसेना हिंद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेश बख्शी जी ने सलेम टावरी लुधियाना में उनको सम्मानित किया। हमारे योगेश बख्शी जी शिवसेना हिंद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जिन्होंने आज मुझे सम्मानित किया कि मैं एनआईए कोर्ट से बरी हुआ हूँ। ये मामला 3 फरवरी 2016 को मेरे ऊपर आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद 22 जून 2016 को पुलिस ने मेरे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया कि मैंने अपने ऊपर खुद हमला करवाया, मैंने मेरे ऊपर सरिया लगाया, जबकि सभी के सामने ये वाक्य हुआ था कि 9 mm गोली मेरे लगी है। फिर भी पंजाब पुलिस के कुछ अफसरों ने वाह वाह लूटने के लिए मेरे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया। आज मान योग एनआईए कोर्ट से मुझे बाइज्जत बरी किया गया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ एनआईए कोर्ट का कि मुझे सम्मान के साथ मुझे बरी किया गया और आज मेरी समाज में फिर वैसी इज्जत लाई गई। मतलब कुछ चंद अफसर पुलिस के जो टोट अपनी वाह वाही लूटने के लिए हिंदू समाज को आतंकवादी का रूप देने लगे थे, मतलब इनकी खालिस्तानी एजेंसियों के साथ क्या अटैचमेंट है। पैसा दिया गया लगता है इनको मारने के लिए, मरवाने के लिए। बहुत यातनाएं दी गई मुझे, 1.5 महीना मैं पुलिस रिमांड में रहा हूं, जैसे मैं कोई आतंकवादी हूं। जैसे साध्वी प्रज्ञा ठाकुर दीदी जैसा हाल हुआ, वो हाल सेम मेरे जैसा हुआ। 3-3 दिन मुझे सोने नहीं दिया गया, मतलब सारी सारी रात 1-1 घंटे बाद मेरा रिमांड होता था। सिर्फ मैं इंसान वही, 1 घंटे बाद अफसर चेंज होता था, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है इस दुनिया में, क्या हमारे को इंसाफ मिलेगा। ये बात मैं मान योग डीजीपी साहब से जरूर जाऊंगा दरखास्त लेकर कि सर इनके ऊपर मुकदमा दायर किया जाए, कि मैं भी एक गरीब बंदा हूं, आम जनता हूं, आम जनता के साथ ही वैसा होना चाहिए। मान योग पुलिस कमिश्नर के पास भी जाऊंगा एक कंप्लेन लेके कि सर इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करना चाहिए, अगर नहीं होगा तो अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा। और साडी शिवसेना नूं बड़ा माण है कि साडे अमित अरोड़ा जी शिवसेना हिंद दे राष्ट्रीय प्रधान एनआईए कोर्ट ने बली कीते, बली करता। और सब तो ज़्यादा असीं डीजीपी साहब का और कैप्टन अमरिंदर सिंह का बहुत धन्यवाद करते हैं इन्हां दी बदौलत। और उन्होंने शीशा सामने लैके आंदा, वो इन्हां नूं साह मिलिया और उन्हें साबित हो गया है कि वाकई इन्होंने उपर गोली चली सी। इन्होंने झूठा साबित करने वास्ते पुलिस ने कुछ चंद अफसर, पुलिस के अफसर से जोड़े जे इन्होंने झूठा साबित करने वास्ते इन्होंने परचा पाया। और असं भी ये अभी मांग करते हैं जोड़े अफसर इधर अफसर से उन्होंने परचा पाया जाए। और कुछ देर बाद असी कुछ टाइम लैके डीजीपी साहब को, सीपी साहब को टाइम लैके अमित अरोड़ा जी जाके असं एक दरखा देंगे जी गलत अफसर जो परचा पाने की पूरी कोशिश करावे। हाँ जी, विद प्रूफ लाके जाएंगे, जो लिस्ट बनाई इन्होंने जी लिस्ट लैके आएंगे जी, उन्होंने नाम दसे जाएंगे, पूरी प्रेस में दसे जाएंगे जी, इन्होंने बंदे कार्रवाई की जाए ताकि हो कि बंदा ये कम च ना फस सके।